तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, केबीएसबीआरटी 2023 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। कट ऑफ हाई गया है। कट ऑफ हाई क्यों गया है, इसके संबंध में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपनी राय देनी है। लेकिन कट ऑफ कितना गया है, आइए जान लेते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है केबीएस का यह नोटिस, केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि द कट ऑफ ऑफ मार्क ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू एज प्रोवाइडेड बाय द सीबीएसई। तो यहाँ पर जनरल का जो है यूआर 135.0913 और ईडब्ल्यूएस का 127.4651, ओबीसी का 127.2476, एसटी का माफी चाहता हूँ एससी का 121.6619, एसटी का 103.3192, ओएच का 118.3129 और वीएच का 110.661 कटाप गया है। तो आपका इस कटाप पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है यूपी ट्रिपल एससी पर 2023 के एडमिट कार्ड को लेकर वेबसाइट क्रैश हो गई है दोस्तों, क्योंकि एकाएक सभी लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने लगे। वेबसाइट कब तक सही होगी, इसके संबंध में जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि आज रात तक वेबसाइट सही हो जाएगी, उसके बाद आप जो है एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको शॉर्ट में जानकारी दे रहा हूँ और लगातार मैं आपको जानकारी देता रहूँगा, इसलिए वीडियो को रेगुलर देखा करें। यूपी पुलिस 2023 के ओटीआर को लेकर बड़ी अपडेट है, विज्ञापन को लेकर बड़ी अपडेट है। जैसा कि बताया जा रहा था कि ओटीआर पहले आएगा, विज्ञापन पहले आएगा, इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ओटीआर और विज्ञापन एक साथ जारी किया जा सकता है, या ओटीआर के कुछ दिन बाद विज्ञापन जारी किया जाए। ज़्यादा विलंब नहीं किया जाएगा क्योंकि 2024 का चुनाव है। तो इसके संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा शासन से अनुमति ली जाएगी। अनुमति मिला तो ओटीआर के साथ साथ जो है अब विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। जो लोग ओटीआर भरेंगे उसके बाद अपना आवेदन कर देंगे जो है पुलिस भर्ती के लिए। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओटीआर और पुलिस भर्ती का विज्ञापन एक साथ आ सकता है अगर शासन की अनुमति मिली तो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।